यार थोड़ा पैसे कम करना पड़ेगा और इसको आज के आज या कल के कल निपटाओ। मैं भाई एक बार बात करता हूँ भाई से, एक्चुअली कुछ सात लोग आए हैं उनके घर पे, अच्छा मैं इसलिए आपको फोन किया था कि मैं 5 से 7 मिनट में आपको कॉल बैक करता हूँ। अमाउंट बोले तो 1 करोड़ के ऊपर बहुत बड़ा होता है, मैं इतने पैसे दे नहीं सकता। मैं बात करता हूँ भाई पहले, क्या बोलते तो वो, हाँ और आपको फोन करता हूँ मैं तो एक बार वो। अच्छा सुनो ना, लेकिन यार वो वसीम भाई से भी मेरी एक बार बात तो करा ना, लेकिन ठीक है अभी वो, अभी मैं कैसा समझूं कि भाई इतने पैसे वो मांग रहे करके। आप एक काम करो ना, आप डायरेक्ट उनके घर पर आ जाइए वसीम भाई के, लेकिन वहाँ आना अच्छा नहीं रहेगा ना यार, वो गलत हो जाएगा। वो तो फिर आपको समझना चाहिए ना। हाँ वो तो मैं एक काम करता ना, मेरे यहाँ का एक दोस्त है तो उसको भेज देता हूँ, तो वो पैसे आपको आज के आज ही दे देगा। अरे इसको काम बंद, आपको देखो इसको भाई बंद, काम आपको, भाई सुनो ना पहले मेरी बात। हाँ काम आपको करना है कि उनको करना है? अरे यार काम अब मैं नहीं आ सकता ना, मेरी एक इमेज है यार, कैसी बात करके भाई। तो भाई वो भी, उनकी भी एक इमेज है ना, वो भी तो कुछ लेवल पे बैठे हुए है ना। हाँ उन्होंने, या मैं लेके आ जाऊँ उनको आपके इधर? नहीं यार मेरे से तो मत, इतनी कैपेसिटी तो है मेरे पास में कि मैं या तो उनको लेके आ जाता हूँ या आप मेरे साथ में उनके पास चल जाओ, मेरे ऑफिस में आ जाओ। अच्छा पैसे मैं मालूम है कि, देखो मैं क्लियर बता रहा हूँ, आप एक बात बताओ कि कितने में हो जाएगा, खाली इतना बताओ, मैं उतने का अरेंजमेंट, और मेरे को ये बंद करवाना है। मैं ये बोल रहा हूँ आपको, पहले मेरी बात आप थोड़ा सा सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद फिर मुझे बताइएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर वसीम भाई ने बोल दिए आपको कि हाँ भाई इतने में मेरे को करना है, इतना मेरे को चाहिए, बस इसके ऊपर मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं ये गारंटी देता हूँ कि जिस दिन आपने दिए उसके दूसरे दिन से अगर आपके खिलाफ कोई बयानबाजी हो जाएगी तो मुझे बता दीजिए। नहीं वो तो चलो मैं डायरेक्टली, उनको या तो आपके ऑफिस में लेके आऊंगा या तो आपको उनके डायरेक्टली उनके ऑफिस में लेके जाऊंगा। ठीक है ना। अच्छा सुनो ना, मैं एक मोटा माटी कितने का अरेंजमेंट करके रखूं, मोटा माटी बताओ भाई। अभी देखो मैं आपको उस दिन भी बता दिया था और अभी तो फिलहाल हाल फिलहाल कुछ बोल नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं एक्चुअली बैठा हूँ अभी मेडिकल ऊट खाना रोड पे। अच्छा नहीं तो एक मोटा माटी, नहीं नहीं सुनो ना, एक मोटा माटी यानी कि देखो क्या अरेंजमेंट करने के लिए भी समय लगता है, समझे क्या? तो एक आपके लिए बड़े भाई, आपके लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार, ऐसा नहीं है भैया, आपके सर पे जब इतने जनों का हाथ है तो आपको किस चीज का वो प्रॉब्लम है? नहीं नहीं एक मुझे एक बात ये बताइए, नहीं देखो चेक से होना तो मैं अभी तुमको 10 मिनट में तुम्हारी बात नहीं काटूंगा, तुम अकाउंट नंबर, अपन लीगल काम नहीं कर रहे ना। हाँ वो तो बराबर है, तो चेक का मसला रहेगा तो मैं तुरंत तो सुनो ना, काम करो आप ले लो चेक बना दो उनके नाम से, मैं दे देता हूँ, वो तो पास हो जाएगा तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएंगे, वो तो आपको भी पता चल जाएगा। तो सुनो ना, तो मेरे को भी क्या समय, एक मोटा माटी तो तुम बताओ, मैं उतना अरेंजमेंट करके रखूँ, बाद में कम ज्यादा अपन करवा लेंगे। हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ इतना रहता कि मैं जो भी उनसे मिलने आता है मैं सिर्फ उनसे मुलाकात करवा सकता हूँ। अच्छा। इतना मेरे पास रहता और इतना मेरे को ये बोलते हैं वो कि हाँ इससे इतना बोल, उससे उतना बोल, इतना कर और उतना कर। अच्छा। उसके आगे मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। अच्छा। अब मैं आपको बोल दूंगा कि भाई आप एक काम करो, चलो 10 ही दे दो, ठीक है, एक बात बता रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप 10 ही दे दो और वो अगला वाला बंदा अगर मेरे पे प्रेशर डाल देगा फिर मैं क्या करूँ ये बताइए। देखो आप एक बात बताओ कि जैसा 10 रुपए होते, 10 हजार होते, 10 लाख होते, 10 करोड़ होते, अब 10 बोले तो क्या, अभी जब भी आपने मेरे को एक के ऊपर बोला, हाँ एक के ऊपर, तो भाई एक हाँ। लाख है, 1 करोड़ है, 1 हजार, वो बताना पड़ेगा ना यार। मैं देखो हर आदमी का क्या एक अरेंजमेंट करने का तरीका रहता, समझे क्या? बिल्कुल सही बात, तो मेरे को उस हिसाब, तो आप ये बताओ मैं उस हिसाब से अरेंजमेंट करते करके रखता हूँ, तो मेरे को 100% यकीन है कि भैया वो 1 करोड़ के ऊपर ही रहेगा। अच्छा 1 करोड़ के ऊपर रहेगा, क्योंकि वो मतलब वो भी उस लेवल पे बैठे है। हाँ वो तो सवाल ही नहीं, बड़े आदमी हो। हाँ, तो बहुत उस लेवल पे बैठे है। ठीक है पूछ के बताओ फिर मैं अरेंजमेंट करता हूँ यार, और ये खत्म करो सारी चीजें। अभी देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल बताता हूँ। हाँ। अभी आपने ऑडिट नहीं करवाए, हाँ हो सकता है कोई भी चीज का आपने ऑडिट नहीं कराए, बराबर, ठीक है, तो ऑडिट की रिपोर्ट अभी हमारे पास में है। अच्छा
तो आपने जो एनएमसी का काम हुआ है, इसका हॉस्पिटल का काम हुआ है, हाँ उसमें भी आप गलत तरीके से इन्वॉल्व हुए हैं उसमें भी। अच्छा, तो ठीक है, मेरे पास वो तो चीज़ लेके आना। तो देखिए, उसके लिए हम, अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए मैं और आप मिलके, समझे क्या, FIR करवाएंगे उस व्यक्ति जिसने भी गलत किया। मेरे को पैसे की जरूरत है कि आपको लगता है क्या? वो भाई आपकी बात अलग है, अभी आप उस लेवल पे बैठे हो ना वहां पे, तो हाँ, लोग किसको पकड़ेंगे, आपको पकड़ेंगे कि उनको पकड़ेंगे? अरे भाई, लेकिन कायदा भी तो है कि कोई जुर्म मैं करूंगा। कायदा भी है भाई, कायदा भी है, तो कायदे के तौर पे कर रहे ना आप, आपके खिलाफ में अच्छा चलो, पूरे आपके। मैं क्या बोला, मैं अरेंजमेंट करवाता हूँ, आप उनसे मेरी बात करवा दो एक बार, वसीम भाई की, कि कैसे? मेरे वसीम भाई से फोन पे बात करा वसीम भाई देना। से हाँ हाँ ठीक है ना, मैं करवा देता, तो कोई इशू नहीं मेरी। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। और खत्म करो बोलने। हाँ, खत्म करो, बात कर ले, बात करके जो भी मसला होता है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं डायरेक्टली आपसे बात करवा देता हूँ, आप बात कर लीजिए। ये कब तक बात करा देंगे इसको? आजकल में खत्म करना है तो आप अरेंजमेंट करवा दीजिए, मैं तुरंत में बात करवा दूंगा, तुरंत में आप डायरेक्टली भेजा दीजिए ना। तो कितने का भी अरेंजमेंट करा दूँ तो उतना हो जाएगा, बताइए। अभी देखो आप, मुझे एक थोड़ा सा समय दीजिए, मैं उनसे तुरंत में बात करता हूँ, और लगे तो मैं अभी तुरंत में उनसे फोन करवाने लगाता हूँ। ठीक है ना, आप करवाइए फोन। तो भाई आप बात कर लो, आपका क्या निकोशिएट होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो कर लो और उसको खत्म करो, आगे से जो भी मैटर है वो खत्म करो। तो फिर उसमें इन्हें शाकिर रजा को तो अलग से नहीं देना पड़ेगा ना? नहीं, शाकिर रजा को अलग से देना पड़ेगा, सब उसी में इन्वॉल्व है ना। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है।